था, फोटो आती नहीं थी, केवल एक्सरे आता था। और ये कलर भी अब यहाँ इसमें छांव में बैठ के एसी में बैठे हैं, यहाँ थोड़ा सा ठीक हो गया। तब तो हमें कहीं भी किसी के मकान पे नजर ना लग जाए, वहां भी हमारी तो इसलिए हमारा जो जीवन है, और कहाँ के हम बंद गए, देखो हॉस्टल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ, और यहाँ आके कैसे घूमता। इसलिए जीवन में पड़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आता रहता है, वो भी हमें देखने चाहिए, सुख को भी स्वीकार करना चाहिए, दुख को। देखो समय कभी पूरा नहीं होता, समय कभी पूरा नहीं होता, मुसीबत हम खुद मोल लेते हैं। कई बार ये अलग बात है कि हम होश में नहीं होते, समझ नहीं पाते उन सिचुएशन को, इसलिए हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम भी गलत हो सकते हैं, हमने समझा समय को गलत खाया। तो एक और बात पूछना चाहूंगा मैडम जी, घर पे आपकी चलती है या फिर जिसमें पति की चलती हो, ऐसा कोई घर मिल जाए जिसमें पति की चलती हो, नहीं तो हमारे यहाँ प्रताड़ित पति बहुत है, सुधीर सर का तो नाम नहीं होगा, करने पाए जाते हैं हमारे स्टाफ में, तो ज्यादा से ज्यादा है, मैं वही कह रहा हूं कि हमें उन पर तर्स खाना चाहिए। और जितना लेडी स्टाफ है, आपकी आपस में कभी झगड़ा हुआ है, या कहते हैं घोड़े के बाद स्त्री सबसे ईर्ष्यालु होती है, आपस में कभी यहाँ भी घर वाला माहौल क्रिएट होने की संभावना हुई है? यहाँ पे चांस नहीं मिला सर, ऐसा माहौल नहीं मिला, टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने फ्री पीरियड नहीं छोड़े, क्योंकि जिसको ज्यादा फ्री छोड़ा तो उनकी इमेजिनेशन शुरू। बिल्कुल बात सही है सर, बिल्कुल। और बैठते ही यहाँ मैंने देखा मैडम जी बैठते ही लड़ाई लेना शुरू कर देती, फिर मेरे मन में एक ख्याल आया।